बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल में नए आने वाले नाज़रीन को मोहब्बत भरा अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आप सालों से देख रहे होंगे कि सर्दी और गर्मी आती है। कभी आपने ये सोचा है कि सर्दी का मौसम, सर्दी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी के मौसम में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और ये सर्दी और गर्मी का मौसम क्यों आता है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके ऊपर ये फरमान है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जहन्नम ने अपने रब से शिकायत करते हुए कहा, ए मेरे रब, जगह की तंगी और बंद रहने की वजह से मेरे एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को खा लिया है, चुनाचा अल्लाह ताला ने इसे दो सांसें लेने की इजाज़त दी। एक सांस सर्दी के मौसम में और दूसरी सांस गर्मी के मौसम में। इसी वजह से तुम्हें और हमें गर्मियों में सख्त गर्मी लगती है और सर्दियों में सख्त सर्दी लगती है। ये सर्दियाँ इसलिए आती हैं और गर्मियाँ भी इसलिए आती हैं। इसके पीछे ये वजह है कि सर्दियों का मौसम क्यों आता है और गर्मियों का मौसम क्यों आता है। तो दोस्तों, दीन की बात को फैलाना हर मुसलमान भाई का फ़र्ज़ है, और हमारे अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट करें, और दीन को फैलाने में हमारी मदद करें। वस्सलाम।